हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू कॉलेज रिव्यू ब्लॉग ब्लॉग या वीडियो कुछ भी मान लो, ठीक है। तो वेब्स के बारे में यार बहुत कमेंट आ रहे थे, बहुत आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया वेब्स के लिए वीडियो बना दो, वेब्स के लिए वीडियो बना दो। देखो, वेब्स का कोई डेटा गूगल पे भी डला हुआ है, वो लास्ट ईयर का थोड़ा बहुत डेटा, ठीक है। तो अगर मैं वही पढ़ पढ़ के सारी चीज़ें सुना दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे भाई ने क्या किया, विप्स के ही एक भैया, ठीक है, तो अभी मैं उनके साथ गूगल मीट करूँगा, तो उनसे मैंने सारी चीज़ें पूछी है। वो उन्होंने भी लास्ट ईयर ही एडमिशन लिया था बीटेक में, तो उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भैया प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, क्योंकि यार ऑब्वियसली वो एक साल अगर उन्होंने पढ़ा है तो उनको पता होगा, वहाँ पे टीचर उसने बताया होगा कि आपकी प्लेसमेंट्स कैसी होगी और कैंपस के बारे में पता लगा होगा, और एक साल अगर वहाँ बीटेक करी पढ़ी है, मतलब स्टडी करी है, तो टीचर्स का भी पता होगा। बाकी सारी नॉलेज मेरे से ज़्यादा यार उनको होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने अकेले उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने बाकी मोस्टली सारे आईपीओ के कॉलेजेस की वीडियो बनाई है, बट विप्स की नहीं बनाई, बिकॉज यार वही चीज़ अगर मैं सेम पढ़ के सुनाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उनको बुलाया, ठीक है, अभी उनसे सारी बातें करूँगा, डिस्कशन करूँगा, ठीक है, मोस्टली चीज़ें बात करेंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो टेंशन मत लो, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन होगी, उनकी भी होगी, मेरी भी होगी, और टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी ऐड हो जाना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के सामने आज जो बैठे हैं भैया, तो इनका नाम है ऋषि भाटिया एंड ही इज़ फ्रॉम विप्स IIoT सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर में आ गए अभी ये। तो आप लोगों के लिए ये सीनियर होंगे वहाँ के बीटेक में, क्योंकि बाकी कोर्सेज तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से थे, बट बीटेक वहाँ पे रिसेंटली न्यू आया, तो ये विप्स में ही है और इनको काफ़ी नॉलेज होगा विप्स में, क्योंकि बिकॉज ये वहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक साल हो चुका है इनको, ठीक है। तो आज इन्हीं से ही सारी चीज़ें जानेंगे, ये हमको सारी चीज़ें बताएंगे, भैया विप्स में एक साल इन्होंने पढ़ा है बीटेक, तो वहाँ पे इस साल रिसेंटली CSE भी इंट्रोड्यूस हुई है ना। हाँ जी, हाँ। तो आप बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो अपने साइड से, यार वहाँ पे अगर एक साल आपने जो पढ़ा है, आपको मतलब कैसा लगा कि भाई उसमें आपको पहले डर लग रहा था कि भाई नया नया आया है तो वहाँ पे एडमिशन ले ना ले, बट इन द एंड जब सीट्स नहीं मिल रही थी तो कुछ बच्चों ने वहाँ पे ऑप्ट करा है, तो कुछ एक्सप्लेन थोड़ा शेयर करना चाहते हो आप वहाँ के लिए? जी एक्चुअली विप्स में जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे भी यह था कि उसमें मतलब उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं था, उसको पहले साल ही बीटेक इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उससे पहले ऐसे BCA और मतलब जो लॉ वगैरह के जो जो कोर्सेज थे सिर्फ उसी में इनका स्पेशलाइजेशन था। तो बीटेक में पहले आपको हो सकता है कि बहुत ही कम रैंक के जिसमें कोर्सेज मिल जाए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और कंप्यूटर साइंस के रिएक्शन, जब तो कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है बेटे वो भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, तो वो चीज़ आपको कम रैंक पर भी मिल सकती है। बाकी इसका कॉलेज के ये प्लस पॉइंट है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन रखा है, बाकी जो कॉलेजेस है जैसे BTEC है, MAIT है, उनमें पूरा फुल एयर कंडीशनल नहीं है, इसमें पूरा जो पूरा कैंपस है वो पूरा फुल एयर कंडीशन है, और फैसिलिटीज़ भी लाइब्रेरी की हो या कंप्यूटर लैब की हो, फैसिलिटीज वो बहुत अच्छी है इसमें। अच्छा तो ऋषि, आपके जो जैसे आपका बीटेक वहाँ पे न्यू अभी आया है, तो वहाँ पे टीचर्स भी ऑब्वियसली न्यू होंगे, ठीक है, बीटेक के लिए न्यू फैकल्टीज आई होगी, तो क्या वो सारे टीचर्स वहाँ पे सपोर्टिव है और पढ़ाने में भी वगैरह ठीक है, आप लोगों को मतलब कोई क्लियर डाउट होता है तो वो हेल्प हो जाती है आपको, मिल जाती है उन टीचर से? एक्चुअली जो हमारे टीचर्स हैं इसमें वो तो भी इनका पहले कोई फर्स्ट ईयर से बीटेक आई थी, तो इसमें इन्होंने जो एक्सपीरियंस लेक्चरर्स थे दूसरे कॉलेज से उनको ही हायर किया ज़्यादातर, जिनका पास एक्सपीरियंस रह चुका है, तो फिर तो आप लोग जी। और बाकी वो हमको गाइड भी करते रहते हैं कि सब्जेक्ट्स में मतलब पर्सनल डाउट भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मतलब फैसिलिटी उनको केबिन में अगर आपको डाउट पूछने जाने अगर आ सकते हो किसी भी टाइम पर। जो लेक्चरर जिन्होंने हायर किया है तो वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, मतलब किसी और कॉलेज में जैसे BPIT MIT हो, इन सब कॉलेज में उनका एक्सपीरियंस रह चुका है 4 से 5 साल तक का, कई सारे सीनियर फैकल्टीज भी है, तो वो चीज़ें मतलब आप डाउट पूछने भी आ सकते हैं उनके लिए, वो कभी बॉडर नहीं करेंगे, मतलब आप जैसे लास्ट का जो टाइम होता है 3 से 5 बजे तक का, उसमें आप डाउट पूछने जा सकते हो, तो वो कभी मतलब मना नहीं करते उसके लिए। अच्छा, और भाई वैसे आप लोगों की टाइमिंग्स क्या होती है कॉलेज की? टाइमिंग्स वही 9:30 से स्टार्ट होती है, शाम के 5 बजे तक रहती है, लेकिन वैसे जो मेन क्लासेस होते हैं वो 9:30 बजे से 1 से 2 बजे तक ही रहती है, 9:30 से 1-2 बजे तक हो जाती है। सर ऋषि, एक बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो जैसे आप लोग, आपको भी अपने टाइम पे डर लग रहा होगा कि यार मैं IIoT में जा रहा हूँ,
तो वहाँ की प्लेसमेंट्स होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत बच्चों को यही डाउट होगा, आपको भी अपने टाइम पे ये डाउट होगा कि IIoT में ले तो रहो बट यार CSE वाले पैकेज, CSE वाले प्लेसमेंट में बैठ पाऊंगा। कुछ बच्चे जिन्होंने AIML AIDS लिया होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे जो आपने भी लिया है, तो उसके लिए आप कुछ बच्चों को एक्सप्लेन करो कि यार मतलब प्लेसमेंट्स वाइज क्या आप उसको रिलेट कर सकते हो कि हाँ हम वहाँ भी बैठ सकते हैं, या क्या इसमें पढ़ाया जाता है, इसकी क्या आपको मतलब हेल्प मिलता है, क्योंकि नया सब्जेक्ट ऑब्वियसली सबको डर लग रहा था। एक्चुअली IIoT की एक खासियत यह है और AI के जो सब्जेक्ट्स हैं कि वो कुछ ही कॉलेजेस में ही अभी तक आए हैं, बाकी धीरे धीरे और भी कॉलेज में आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइमिंग वो कुछ ही कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हुए हैं। और बाकी प्लेसमेंट्स का जो है, प्लेसमेंट्स हम ऐसे नहीं कि IIoT वाला सिर्फ IIoT की प्लेसमेंट्स के लिए बैठ सकते हैं, वो AI की जो फील्ड लगी मशीन लर्निंग या डेटा साइंस उसकी उसकी प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आएंगी, उसी कंपनी में बैठ सकते हैं। वो एक्चुअली सिर्फ प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करता है। मैं हमारे जो लेक्चरर हैं सी प्रोग्रामिंग की और उनसे मैंने उनसे कंसल्ट किया था, तो बताए थे कि आप जिस भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट्स करते हो आप उस कंपनी की प्लेसमेंट्स होती है उसमें बैठ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कई सारे जो PC ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के, वो IIT और कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट में बैठ जाते हैं और वो बहुत अच्छा पैकेज भी लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस फील्ड की जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई या उस फील्ड के प्रोडक्ट्स बना रखे होते हैं, तो उसके लिए भी वो मिल जाते हैं। मतलब अगर CSIT वाली कोई प्लेसमेंट्स है तो बच्चा अगर स्किल्स है तो वहाँ पे भी बैठ सकता है ना, अलाउ होता है ना ये सब आप लोगों को बताया होगा तो? हाँ जी अलाउ होता है। हाँ क्योंकि ना मोस्टली बच्चों को यही दिक्कत है कि भैया CSE के अगर IT मतलब IIoT समथिंग्स में जाए तो हम वहाँ बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। तो यार आप लोगों का आंसर आपने सुन ही लिया होगा, भैया ने बता दिया। और यार एक दूसरी मेन बात होती है कि हर बच्चा जब कॉलेज डिसाइड करता है तो उसके आसपास की लोकेलिटी भी देखता है कि यार आसपास घूमने फिरने को क्या मिलेगा। तो आप वहाँ आपको पता होगा वहाँ पे लोकेलिटी में आसपास, जैसे आप लोग अपने करा ही होगा एक्सप्लोर, तो वहाँ के आसपास के बारे में कुछ बता दो यार बच्चों को। एक्चुअली वो जो कॉलेज है वो पीतमपुरा का जो रोहिणी वाला एरिया है, रोहिणी सेक्टर 17 वगैरह में पड़ता है, तो वो एरिया मतलब है वैसे मतलब खाने पीने का भी रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं, और PG जिन बच्चों को सही होता है वो भी आसपास कई लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो असली एरिया मतलब आपको सारी चीज़ें, मेट्रो वगैरह भी पास में है, क्योंकि कॉलेज के कॉलेज का जो मेन गेट है उसके बाहर भी मेट्रो का स्टेशन आ रहा है, तो कनेक्टिविटी के भी कोई इशू नहीं है मतलब। और वो कुछ कॉलेज है वो मतलब मेन रोड पे ही एक तरीके से पड़ता है, तो ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा या धूल मिट्टी होगी, ऐसा ऐसा कोई चीज़ है नहीं वहाँ पे। और यार जैसे जो बच्चे आउटसाइड दिल्ली वाले होते हैं ना, तो उन लोगों का एक मेन बिगेस्ट इशू होता है कि यार कॉलेज की जैसे वो PG वगैरह लेते हैं आसपास लेते हैं, तो मोस्टली गर्ल्स को ये डाउट होता है कि भैया आसपास की लोकेलिटी सही रहेगी, तो उनके लिए ऐसा ये आसपास का वो सेफ रहेगा? हाँ जी गर्ल्स के लिए सही है, क्योंकि मतलब जैसे होता है कि वो मेन रोड पे कॉलेज पड़ता है और मेट्रो भी पास में है, तो मतलब सही एरिया वो, ऐसा मतलब कोई दूर दराज का एरिया नहीं मतलब। अच्छा, और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज मिल जाती है बच्चों को? नहीं हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, मतलब बच्चों को PG दे रहे थे, मेरी क्लास में भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि PG से काम चला रहे हैं। अच्छा PG एंड ऑल, ठीक है। तो मोस्टली यार सारी चीज़ें डिस्कस हो ही गई, प्लेसमेंट्स के लिए आपको भैया ने बता दिया एंड हॉस्टल्स आपको कॉलेज में नहीं मिलेगी, आपको बाहर लेना पड़ेगा, और बाहर की लोकेलिटी भी सही है, घूमने फिरने को भी सही है। बाकी आप कैंपस के बारे में कुछ बता दो, और कैंपस के बारे में बच्चे थोड़ा डाउटफुल है, कैंपस में क्या क्या मिल जाएगा, लाइक प्लेग्राउंड्स हो गया, स्पोर्ट्स, एंड जिसको डांस में इंटरेस्ट है वहाँ पे मतलब सोसाइटीज एंड ऑल जो भी होती है उसके बारे में कुछ बता दो, एंड लाइब्रेरीज भी, लाइब्रेरीज वहाँ पे कैसी है? हाँ लाइब्रेरीज बहुत मतलब स्पेशियस लाइब्रेरी है, एयर कंडीशन है, वहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह भी रखे हैं और वाईफाई कनेक्टिविटी भी है, और अच्छी मतलब ज़्यादातर बुक्स आपको मिल जाएगी जो भी आपके काम की बुक्स होगी, और बाकी जो लाइब्रेरी स्टाफ है या फैकल्टी मेम्बर हैं वो भी फ्रेंडली है, और बाकी कैंपस का जो प्ले ग्राउंड और इसके लिए अलग अलग सोसाइटी होती है, स्पोर्ट्स की सोसाइटी, डांस की भी, और भी कई सारी सोसाइटीज होती है, आर्ट्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, और बस उसका जो हमारे कॉलेज का जो प्ले ग्राउंड है वो इतना बड़ा नहीं है,
मतलब वहाँ पे स्पोर्ट्स ठीक है सोसाइटी सर एंड ऑल ये सर। सारी एक्टिव है ना, जैसे कुछ कुछ कॉलेजेस में होता है हाँ जी सोसाइटीज तो एक्टिव उतनी तो एक्टिव नहीं नहीं होती है, तो बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट होता है एक्टिव भी कि है, एक्टिव भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी क्लास में बहुत अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मतलब जो हमारे कॉलेज का प्ले ग्राउंड है वो इतना इतना बड़ा नहीं है। और बाकी कैंटीन है हमारे कॉलेज में, कैंटीन मतलब उसमें सामान मतलब खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी मतलब महंगी मिलती है, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। रेट। बाकी फूड आइटम्स सब और मतलब बाहर वहाँ भी खाने कॉलेज में के भी बाहर अच्छा भी, है। हाँ कॉलेज के बाहर भी स्टॉल्स वगैरह लगी रहती हैं, आप वहाँ से भी खा भी सकते हैं अच्छा, तो अंदर ये भी। सारी फैसिलिटीज आपको कॉलेज में मिल जाती है। और ऋषि, जैसे एक और बात बच्चों को ये कि भैया फेस्ट होते हैं कॉलेजेस में, तो आप फर्स्ट ईयर में जब थे आपके टाइम पे फेस्ट हुआ था उस टाइम पे, तो हमारे फेस्ट फर्स्ट हुआ था वो एक्चुअली जो फ्रेशर्स पार्टी हुई थी फेस्ट उसका वही फ्रेशर्स पार्टी हुई थी, फेस्ट नहीं हुआ था, वही फेस्ट नहीं हुआ था, आपका सिर्फ मतलब फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स में नहीं पार्टी हुआ हुई थी। था नहीं हुई तो क्या हो सकता है कि फेस्ट, बाद में हो। या बिकॉज लास्ट ईयर तो यार कोरोना पीरियड था, तो मोस्टली कॉलेजेस में फेस्ट कैंसिल हुए थे, तो उसके बारे में तो मैंने सुना ही था। DTU में भी हुआ था, बस ओनली NSIT कॉलेज में हुआ था, और कुछ कुछ कॉलेजेस में होते हैं, तो आपके यहाँ भी लाइक उसके लिए कैंसिल होगा। बाकी फेस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, सीनियर्स एंड ऑल ने बताया ही होगा, क्योंकि हर हर कॉलेजेस में ही होता है, तो मे बी इस ईयर हर कॉलेज में हो। तो गाइस फेस्ट के बारे में आप टेंशन मत लो, भैया भी फर्स्ट ईयर में थे तो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि लास्ट ईयर तो फेस्ट हुआ ही नहीं था, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर में आप भैया के साथ ही फेस्ट में मिलो, ठीक है। तो थैंक यू यार ऋषि भाई, और आप अगर और कुछ शेयर करना चाहते हो बच्चों के साथ तो आप प्लीज़ बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं गूगल मीट ही एंड करूँगा कि प्लीज मतलब वही चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें एंड ये आप जैसे कि कोई बच्चा जिसकी रैंक हाई है वो अगर HMR और उसके सामने विप्स, ये दो कॉलेज लास्ट के बच जाते। देखो विप्स में कोई बच्चा भी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसके जो अभी कट ऑफ बहुत ही लो जा रही है और कॉलेज नया है, तो बच्चे इसलिए डर रहे हैं। दूसरा HMR आपको लोकेलिटी भी पता होगी यार, बहुत दूर है और वहाँ की कोई CSE IIT प्रेफर नहीं करता। तो अगर आपके सामने विप्स और HMR हो, तो आपने क्या सोच के विप्स प्रेफर करा था HMR छोड़ के, तो उसके लिए एक पॉइंट कुछ डिस्कस कर दो। एक्चुअली विप्स और HMR में मतलब अगर दोनों ही कम रैंक पे आपको मिल रहे हैं तो विप्स को ही लेना चाहिए, क्योंकि विप्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो HMR से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और मैं भी ऐसा नहीं एग्री है कि करता हूँ। विप्स का प्लेसमेंट और प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर विप्स का भी है नहीं तो इसका वो तो उसकी प्लेसमेंट ख़राब जाएगी। एक्चुअली जो BCA की कंपनीज है वो प्लेसमेंट वर्ल्ड क्लास करवाएंगी BTEC के स्टूडेंट्स को, और जो विप्स ने कई सारी अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप भी करा तो वो भी प्लेसमेंट्स के लिए आएंगी। और बाकी ऑफ मतलब बाकी अगर टीयर थ्री कॉलेज है तो मतलब बाकी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से एफर्ट्स देने पड़ते हैं, जैसे ऑफ कैंपस हो गए या अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो तो करने पड़ेगा, तो टीयर थ्री कॉलेज पे इतनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती तो नहीं थी लेकिन होती है। तो मतलब यही है कि HMR की एक तो लोकेलिटी एंड देन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेटर नहीं है, तो विप्स को ही आप अभी प्रेफर करो। एंड यहाँ पे CSE भी आ गई है, तो आप CSE प्रेफर कर सकते हो, तो उसके लिए दिक्कत ना ले बच्चे कि प्लेसमेंट सबसे, क्योंकि मेन दिक्कत है बच्चों को यही होती है प्लेसमेंट, एंड दूसरा कि कैंपस लाइफ। तो कैंपस लाइफ तो विप्स का आपको पता ही है कैसा है, भैया ने भी आपको बताया वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप पे है, तो थैंक यू ऋषि गूगल मीट पाने के लिए और सब बच्चों को गाइड करने के लिए, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है मैं भैया की Instagram ID नीचे मेंशन कर दूंगा, आप इनको DM कर सकते हो, बाकी आप मेरे को भी DM कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू ऋषि भाई। कैसी लगी विप्स के ऋषि भैया से आपको इंटरेक्शन करवाया मैंने, ठीक है। उन्होंने मोस्टली सारी चीज़ें बताई, देखो प्लेसमेंट्स का बताया एंड उसके बाद कॉलेजेस का अंदर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया, बाहर का भी बता दिया, और एक मेन डिफरेंस जो आप लोगों को बाद में अभी नहीं हो रही होगी बट जिसकी रैंक ज़्यादा है उसको अभी हो रही होगी कि भैया HMR या वेब्स, HMR या वेब्स, बिकॉज दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस यही है कि जो HMR का कैंपस है वो इतना बेटर नहीं है। अगर उन्होंने देखो बात सही कही, ऐसा नहीं है कि वो वेब्स में पढ़ रहे हैं तो इसलिए उन्होंने वेब्स की तारीफ़ करी। वेब्स यार देखो, वेब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और दोनों में देखो पैकेज का ऐसा सच कोई वो नहीं, HMR में भी आपके पैकेज इतने वो जाते नहीं है, बट वेब्स में कॉलेजेस में BCA भी है तो कंपनीज ऑब्वियसली आती है, आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, बट वही फिर आपको थोड़ी आपको स्किल्स अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सारी चीज़ें करो, टेंशन मतलब वेब्स में CSE है तो वेब्स की CSE प्रेफर करो, मैं तो HMR से CSE वेब्स की प्रेफर करूँ, क्योंकि देखो प्लेसमेंट आपके स्किल्स में मैटर करती है, बट 4 साल यार कहीं जा रहे हो ना, तो
कॉलेज लाइफ भी मैटर करती है, तो विप्स की कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, जैसे कहते हैं ना नंबर वन। क्योंकि देखो बीवे वाले बच्चों के लिए यार, जैसे हमारे लिए USICT हमारा देवता है, ठीक है, हमें USICT चाहिए होता है, बट उनके लिए क्या होता है, उनके लिए बीबीए वालों के लिए विप्स होता है। बीबीए वाले बच्चों को पता ही होगी ये बात, ठीक है। तो बीबीए के लिए, सॉरी बीटेक के लिए टेंशन मत लो, बीटेक के लिए अगर आपको मिल रहा है ये वाला कॉलेज तो ऑप्ट कर लो अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी आती है, मैंने इनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंशन कर दिया, ठीक है, नीचे, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ही होगी 85_Hemant, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे जो मैंने ग्रुप बना रखा है वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे सारे सीनियर्स हैं हर कॉलेजेस के और बच्चे भी हैं, तो कोई भी डाउट होता है वहाँ डिस्कशन कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यार ब्लॉग्स वगैरह तो देख लिया करो यार, एटलीस्ट कॉलेज रिव्यू वीडियो देखे जा रहे हो, थोड़ी बहुत ब्लॉग भी देख लिया करो, ठीक है। तो अभी मैंने न्यू रिसेंटली ब्लॉग डाली, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर यार, इसको देखो यार थोड़ा, ठीक है। तो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।